ओम साई राम सभी को। मेरा नाम सुमित माथुर है, मैं द्वारका दिल्ली से हूँ। पूजा दीदी के साथ में इंटरव्यू शेयर करने का, मेरे को एक एक्सपीरियंस शेयर करने का मेरा मौका मिल रहा है। बाबा की द्वारका माई के सामने खड़े हैं, दशहरे का दिन है, बाबा की समाधि का दिन है, इससे अच्छा दिन और दूसरा कोई हो ही नहीं सकता कि बाबा के एक्सपीरियंस शेयर करूँ मैं किसी के साथ में। तो अभी पीछे गुरु पूर्णिमा की ही बात है, जुलाई में हम लोग आए थे, तो मेरी केवल ट्रेन की बुकिंग कंफर्म थी और मैंने होटल की बुकिंग कर रखी थी। तो मेरा यहाँ पर कोई बुकिंग, मैंने ट्रस्ट के अंदर मैंने कोई बुकिंग नहीं कर रखी थी ना, तो ना ही मेरा बाबा की आरती कोई बुक थी, ना कोई दर्शन बुक था। हम लोगों को मतलब एक एक ह्यूमन नेचर होने की वजह से वो डर रहता है कि आगे की चीज़ें कैसे होने वाली हैं, वो अभी भी है। 16 साल हो गए मुझे बाबा के साथ चलते हुए, तो ट्रेन में भी यही था कि भाई कैसे होगा क्या होगा, मतलब रश होने वाला है, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, तो थोड़ा सा क्राउड का रहता है। तो हम लोगों को ट्रेन में दो लोग मिले जो मुरादाबाद से आ रहे थे, यूपी से थे, संजय भैया और राहुल भैया। तो थोड़ा सा जानकारी, जान पहचान हो गई, नंबर शेयर हो गए। तो यहाँ आने के बाद में वो हम लोगों के साथ ही शिरडी ऑटो में, जो हमारे साथ में ही आए हैं वो। तो उसके बाद में हम लोग जब आए, दर्शन किए बाबा के द्वारका माई में, तो उसके बाद हम लोग होटल में सो गए। अगले दिन जब सुबह उठे हैं तो मेरा होटल, मैं जो लेता हूँ वो द्वारका माई के जो सामने ही है, साईं सूरज। मैंने बाबा के, मैं सुबह 4:30 बजे उठ के, जब मैंने बाबा की बालकनी से मैंने बाबा की द्वारका माई का देखा, तो करीब करीब 1.5 लाख बंदा यहाँ बैठा हुआ था। हम लोगों को ये था कि भाई अब दर्शन कैसे होंगे, आज तो गुरु पूर्णिमा का मेन दिन है। तो नहा धो के तैयार होने के बाद में, वैसे ही जो बाबा के लिए तो हम तैयार ही थे कि भाई बाबा जैसे भी मौका मिलेगा दर्शन करवाने के लिए, आप जैसे मौका दोगे हम वैसे कर लेंगे। मेरे पास संजय भैया का कॉल आता है, कि सुमित भैया कहाँ पर हो। मैं कहा भैया होटल में है। कह रहे दर्शन हो गए। मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुए। मैंने कहा बहुत भीड़ है, तो शायद शाम तक जाएंगे या अगले दिन करेंगे। कह रहे आप नीचे आओ। तो हम लोग नीचे, यहाँ होटल से नीचे उतरे, वो यहीं खड़े हुए थे। तो कह रहे ये मैंने कल डोनेशन किया है, मैं आने के बाद में कल रात में बाबा को डोनेशन ट्रस्ट में दिया मैंने, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री आरतियाँ मिलती हैं जब आप एक अच्छा डोनेशन करते हो, अच्छा अमाउंट का। तो उसमें उनको 3 आरती और 3 दर्शन मिले हुए थे। तो उसमें उन्होंने फैमिली मेम्बर्स में, अपन मतलब खुद दो लोगों के साथ में, मेरा और विशाल का, जो मेरे साथ जो कलीग आया था मेरा, हम दोनों के नाम लिखवा रखे थे। तो वो जब हमने वो चीज़ देखी तो ऐसा हुआ कि बाबा, एक तरफ मैं बाबा को देख रहा था, एक तरफ वो पर्ची देख रहा था कि बाबा बिना कुछ बोले तुमने इतनी भीड़ में स्पेशल VVIP वाले के दर्शन हमारे लिए अरेंज करा के दिए हैं, और वो आरती उन्होंने आज तक नहीं ली थी। वो मतलब आ रहे हैं वो भी काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ट्रस्ट में, मैंने आके बाबा की आरती आज तक कोई अटेंड नहीं करी है। तो हमने पहली आरती सेज आरती ली। सेज आरती में जब हम लोग लगे हैं तो पहले जो 4-5 बंदे होते हैं, हमारा नंबर उसी में ही आ गया, बाबा के सामने जो खड़े होते हैं ऑर्केस्ट्रा के साथ। तो आरती शुरू हुई है, मैंने दिल में मतलब ऐसे ही आ गया कि बाबा चमत्कार, शिरडी से बाहर तो मैंने बहुत देख लिए, मेरे साथ लाइफ में बहुत हुए भी हैं। तो मैं, बाबा अगर मंदिर में यहाँ पे अगर कोई चमत्कार हो तो वो चीज़ थोड़ा सा और देखना चाहूँगा, अगर आप दिखाना चाहो। 15 मिनट की आरती निकली, आप मानोगे नहीं, बाबा सिंहासन से उठ के मेरे सामने आके खड़े हो गए। क्या यहाँ हारमोनियम बज रहा है, बाबा यहाँ खड़े हैं, मैं विशाल को देख रहा हूँ, संजय भैया को देख रहा हूँ, वो दोनों मूर्ति को देख रहे हैं, और मैं बाबा के सामने खड़े होकर रो रहा हूँ। 15 मिनट हुआ है, बाबा ने बोला और कुछ देखना है तो और जो कुछ अभी तो तूने इतनी सी चाह रखी थी, कुछ और भी रखता तो शायद मैं वो भी पूरी कर सकता है। मैंने वहीं हाथ जोड़ लिया, मैंने कहा बाबा आज मान लिया, आगे से अब मांगने की ना कोई मेरी चाहत है। बाबा ने क्या पहन रखा था? वही वाइट चोले, जैसे बाबा उठते हैं, मतलब जैसे जो हमने हमारा जो एजम्पशन होता है कि बाबा वाइट चोले में, वाइट पटके में, वही झोला, झोला नहीं था, बाबा ऐसे के ऐसे खड़े हो गए और ऐसे आगे खड़े हो गए मेरे सामने कि बोल तेरे को क्या चाहिए। तो अब उसके आगे वो एक्सपीरियंस होने के बाद में, अब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हो गया कि अब बाबा से मांगना बंद, यहाँ आते हैं अटेंडेंस लगाते हैं, बाबा यहाँ तक आ गए ऐसे ही बुलाते रहना और ऐसे ही चलते रहना। आंसू के साथ साथ मेरे रोए खड़े हो रहे हैं और मेरे आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। बाबा ऐसा भी करते हैं? हर एक साई भक्त सोचता है कि बाबा उसको दिखे, और तुमने बाबा के साक्षात दर्शन कर लिए,
तुम धन्य हो। मैंने पूजा दीदी के भी बहुत इंटरव्यू देखे हैं, मैंने गीता दीदी के चैनल पे भी देखे हैं। ये देखो, ये बाबा का प्यार मुझे द्वारका माई आके मिलता है। क्या बात है, लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे? श्रद्धा और सबूरी के आगे तो मैं वैसे भी कुछ अब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता, लेकिन हाँ, बाबा के साथ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपको लगेगा कि बाबा आज ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ क्यों हो रही है, उतार चढ़ाव चलते हैं ज़िंदगी में, चलेंगे। बाबा ने शुरू में भी कहा है कि जो कर्म कर रहे हो उसके साथ तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा, तो जो कर्म कर रहे हो कोशिश करो कि वो अच्छे से अच्छा हो, किसी को परेशान नहीं होना, मतलब परेशान आपके किए हुए किसी काम से किसी को परेशानी ना हो, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होना। लेकिन हाँ, अब हम लोग ऐसी ज़िंदगी में हैं कि वो चीज़ें चलती हैं, तो मैं तो बाबा से रोज़ यही कहता हूँ, मैं कहा बाबा अगर आज किसी के साथ कुछ हुआ हो तो मेरी तरफ से माफ़ी है। तो बस इसी के आगे बस जो चलते हैं बस उसी के साथ, बाबा के साथ तो अब यही एक्सपीरियंस चल रहे हैं अभी भी। 16 साल हो गए, 16 साल में 16 से भी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस होंगे। अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब मैं हर एक्सपीरियंस जाके अपना लैपटॉप पे अपने को वो लिखता हूँ, तो 100 पेजेस से ज़्यादा के एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। तो अगर आज कोई पब्लिशर मेरे को मिलेगा तो मैं भी शायद अपनी बुक छपवाना चाहूँगा बाबा के नाम से। क्या बुक का नाम रखा है मैंने, साईं का सफ़र। क्या बात है, क्या बात है। एक बाइक का एक्सपीरियंस था, वो मैंने पूजा दीदी के साथ लास्ट बार जब मैं गुरु पूर्णिमा पे आया था मैंने शेयर किया था, उस बाइक का नाम भी मैंने साईबा रखा हुआ है, तो वो भी बाबा की गिफ्ट है। तो जिंदगी में अब जो सब कुछ मिल रहा है, जुड़ रहे हैं उनको बाइक के बारे में नहीं पता, कुछ छोटा सा बता दो कि बाइक का क्या हुआ था। बाइक का ये हुआ था कि मैंने बाबा से 2022 में लोधी रोड मंदिर में जाता हूँ दिल्ली में, तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा बाबा मेरे पास ना गाड़ियाँ पुरानी हो गई मेरी स्कूटी, तो मुझे वो चेंज करनी है, तो मैंने कहा नई लेनी है। तो मैंने कहा मेरे दिमाग में ये भी था कि मैंने कहा बाबा 25-26 साल हो गए कमाते हुए, मैंने कहा गिफ्ट मैंने आज तक कोई अपने लिए लिया नहीं है, मैंने मांगा नहीं था, मैंने बाबा को रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा बाबा मेरे को लेना है, तो अब वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे क्या दिलवाओगे। तो मैंने स्कूटी से शुरू किया और मैं 15-16 लाख की बाइक तक देख के आया, लेकिन जो बाबा की मर्जी थी उसके सामने ऑब्वियसली मैं ये मानता हूँ कि किसी की नहीं चलती। तो मेरा जब मेरी बाइक फाइनल हुई तो वो बुलेट का लिमिटेड एडिशन था दिल्ली में, उस टाइम पे वो आई थी, लॉन्च हुई थी, तो मैंने अब 70,000 रुपये उसके डाउन पेमेंट के दिए थे, और वो 70,000 डाउन पेमेंट करने के बाद मेरे को ईएमआई करानी थी उसकी, लेकिन वो ईएमआई कराने के लिए शोरूम वालों के कॉल चल रहे थे, फाइनल नहीं हो रहा था, प्लस बाइक का भी आने की कोई श्योरिटी नहीं थी। मेरे को 7 अगस्त मेरा बर्थडे आता है, मेरे को 6 अगस्त को बाइक चाहिए थी, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही थी चीज़ें, मेरे को कंफर्म नहीं था कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 12 जुलाई को मेरे पास कॉल आता है, जून से बातें चल रही थी, 12 जुलाई को मेरे पास कॉल आता है कि सर आपकी बाइक जो है ना वो 6 अगस्त को आपको सुबह 11:30 बजे जो आपका मुहूर्त है आपको उस पर मिल जाएगी। तो मैंने कहा मिल तो जाएगी, लेकिन आपने अभी तक मेरा फाइनेंस का कोई ऑप्शन मेरा अभी फाइनल किया ही नहीं है, मैं कहा अभी तक आपने मेरे को कोई कंफर्मेशन दी नहीं है कि फाइनेंस कितना होगा, क्या होगा, कितना अमाउंट का। बोले पेमेंट आपका आ चुका है। तो मैंने कहा आ चुका है तो मैंने तो अभी तक किया ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपका 2,87,790 रुपये का चेक आपके नाम से आ चुका है, तो गाड़ी का फुल पेमेंट हो चुका है, आप 6 तारीख को आके गाड़ी अपने टाइम पर उठा सकते हो। वो मैं कॉल पे बात करते करते मैंने कपड़े पहने, मैंने स्कूटी उठाई अपनी, मैं शोरूम पहुंचा, मैंने कहा पेमेंट कहाँ कैसे हुआ है मुझे ये बताओ। तो जो चेक था वो बाबा ने मेरे नाम पे, सुमित माथुर के नाम से बाबा ने अपना नीचे साईं का साइन था, उस पर एस बड़ा था, ए छोटा था, आई छोटा था, और वो आई पूरा घुमा के ऊपर से एस के नीचे से, और वो साइन मेरे दिमाग में ऐसा छप गया है। वो चेक बाबा ने वहाँ बुलेट के शोरूम में दिया रॉयल इनफील्ड के, और वो पेमेंट पूरा किया, तो मेरे नीचे से उस टाइम मैं बैठा हुआ था, मुझे लगा कि शायद ज़मीन ही नहीं है, तो वो पेमेंट बाबा ने दिया पूरा, वो गिफ्ट मुझे 6 अगस्त 2023 को मिली। उसके बाद मैंने बाबा के लोधी रोड मंदिर में ही जाके उसकी पूजा कराई, उस बाइक का नाम मैंने साईबा रखा है। क्या बात है, तो वो बाबा की गिफ्ट है, तो वो बाबा की गिफ्ट की तरह ही मैंने रखी हुई है संभाल के, अब उससे हर काम मेरा उसी से ही होता है। मैंने तीनों गाड़ियां अपनी खड़ी कर, किसने चेक दिया? 2,87,790 इतने का चेक था, बाकी 70,000 मैंने दिए हुए थे डाउन पेमेंट। तो वो बाबा ने बोला कि तूने मेरे से रिक्वेस्ट करी थी तो ये गिफ्ट मेरी तरफ से पकड़। तो वो जो एक बुलेट, मतलब जो एक ड्रीम बाइक होती है किसी की कि भाई आप, मैं एक राइडर हूँ, मैं लद्दाख वगैरह का ट्रिप मैं करना चाहता हूँ, मनाली वगैरह भी, अमृतसर वगैरह भी, तो बाबा ने वो एक विश जो है वो अभी पहले स्टेप पे मेरे को रखा है
कि ले ये चीज़ मैंने पकड़ा दी, अब तेरा डिसीजन है तू आगे कैसे 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 अपनी लाइफ को पढ़ाता है और क्या अपनी चीज़ें किस तरीके से करता है। मैंने कहा बाबा वो भी आप ही कराओगे। तो एज अ राइडर अब एक यूट्यूब चैनल शुरू करने की कोशिश है, बिल्कुल, तो बाइक से ही लद्दाख की राइड होंगी, बाइक से ही, और कोशिश करूंगा कि अगर जिंदगी में मौका मिला तो उस बाइक से ही शिरडी भी आ जाऊँ। क्या बात है, बाबा को मिलने के लिए। इनको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा। 9918073846 पर अपने अनुभव बताते रहो कमेंट सेक्शन में। जय साई राम लिखे और इसके बारे में बाबा के गुणगान के बारे में लिखे हैं कि बाबा की महिमा निराली है। ओम साई राम, जय साई राम।